Hey everybody, once again welcome to the channel. Today we will discuss about the job vacancy which can be applied by MSW as well as BSW candidates. The vacancy is under NHM and the job vacancy is social worker post, and we will look after the each and every details in the whole video. This is the advertisement which was released by the कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महासमुंद छत्तीसगढ़, एंड द डेट ऑफ रिलीजिंग दिस एडवर्टाइजमेंट इज 2nd of July 2021, एंड देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसी विच कैन बी अप्लाइड एंड रिलीज इन दिस कैटेगरी लाइक फार्मेसी, डेंटल सर्जन, मैनेजर, नर्सिंग ऑफिसर्स, लेबोरेटरी टेक्नीसियन, ब्लॉक सुपरवाइजर, ETC. बट वी विल डिस्कस अबाउट द पोजिशन of social worker that is under NTCP 1 and under the NHM program. The last date of submitting the application is 15th July 2021 up to 5:30 PM. तो आपको पूरा application को आप चाहे तो registered card के through भेज सकते हैं, speed post कर सकते हैं, या खुद physically जाके वहाँ पर hand over कर सकते हैं. तो आपको कहाँ पर करना है, तो वो submit करना है जिला कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पदाधिकारी जिला चिकित्सालय परिसर खरोड़ा महासमुंद, जिला महासमुंद, अंडर द छत्तीसगढ़, पिन है 493445. सो चलिए देखते हैं डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में. दोस्तों आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आई है NHM प्रोग्राम के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ. सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ. दोस्तों यहाँ कई सारी वैकेंसी आई है जो कि अलग अलग फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर BHMS कर रखा है या BAMS कर रखा है, तो उनके लिए आप ये जॉब वैकेंसी सजेस्ट कर सकते हैं. या फिर किसी ने अगर MDS कर रखा है, डिग्री इन डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, या फिर ANM पास है, तो इस तरह के आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं. अगर किसी ने कर रखा है BCOM या फिर ग्रेजुएट है किसी भी कंप्यूटर ऑपरेशन में, तो वो लोग भी यहाँ पे कई सारे पोजीशन है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि साइकोथेरेपिस्ट के लिए है जो कि बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपी अगर किसी ने किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर दो ऐसा वैकेंसी है जिसको जो कि कह सकते हैं एलाइड है. एक पहला है साइकोथेरेपिस्ट का जो कि सोशल वर्क से एलाइड सब्जेक्ट है. अगर किसी ने बैचलर डिग्री इन साइकोथेरेपी कर रखा है तो उसके लिए भी यहाँ पे जॉब वैकेंसी है. नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी है. तो आप इस तरह के जॉब वैकेंसी अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को सजेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव द क्वालिफिकेशन. बट वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल वर्कर. The name of the post here in 9th number column is social worker NTCP, and the salary will be 22,000 per month. The number of position is only one, which is unreserved, and the essential qualification for the post of social worker NTCP is graduate degree in sociology social work, which must be in regular mode, and the or graduate degree in sociology social work. This is also in regular mode, but with 2 years of work experience in the field is required. यानी कि अगर आपने MSW कर रखा है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट अगर आपने अगर बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क कर रखा है, BSW कर रखा है, या फिर ग्रेजुएशन इन सोशलॉजी कर रखा है, तो आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए. कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड. और वो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर, जो आपका एकेडमिक है उस पर 85% मार्क्स दिया गया है, और एक्सपीरियंस पे 10 से 15% मार्क्स दिया गया है. यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज मिल रहा है आपके एकेडमिक पे, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि जिनका एकेडमिक अच्छा रहा है, या फिर अदर कैंडिडेट के लिए भी ये अच्छी बात है कि एकेडमिक पे 85% वेटेज मिल रहा है और एक्सपीरियंस पे सिर्फ 15%. तो फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजिशन. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन फी दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी. हेयर यू हैव टू पे 200 फॉर
द सैलरी इफ़ यू हैव गेट मोर देन 25,000 तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आपकी सैलरी जो दिया जाएगा वो अगर 25,000 से कम है तो उसके लिए अलग है। तो हम लोगों ने देखा था सोशल वर्कर का जो सैलरी है 22,000 है, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है विमेंस के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और ST SC के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ है फ़ी, अप्लीकेशन फ़ी। और फिर OBC के लिए 2,200 है एंड जनरल कैटेगरी के लिए 300 है। तो ये अप्लीकेशन फ़ी है अलग अलग कैटेगरी के लिए द पोजिशन फॉर सोशल वर्कर। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। दिस इज़ डिटेल एडवर्टाइजमेंट विच वॉज गिवेन हेयर एंड द कैंडिडेट कैन डाउनलोड अप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द वेबसाइट ऑफ www.mahasamund.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म, और आपको उसको 15/7/2021 से पहले पहुंचा देना है आपको इस गिवन एड्रेस पे ऑफिस पे। वो बाय हैंड भी हो सकता है, बाय पोस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे कई सारे डिटेल्स दिए हैं, आप उसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया एप्लीकेशन फ़ी, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ 22,000 सैलरी है, तो 100, 200 और 300 इस तरह से एप्लीकेशन लगेगा। और एप्लीकेशन आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बनाना है, जो कि जिला स्वास्थ्य समिति महासमुंद के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो DD आपको बनवाना है इस जॉब के लिए, तो आप DD बनवाना नहीं भूले, क्योंकि DD से ही अप्लाई करना है। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 ईयर टू 70 ईयर है, यानी कि 18 साल से 70 साल वर्ग एज लिमिट है। यहाँ पे कुछ अलग 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 डिटेल्स दिए गए हैं, आप इन सब को देखें समझें और जान पाएँ कि किस तरह का वेटेज दिया गया है एजुकेशन पे। तो ये अलग अलग चीज़ दिए गई हैं, तो आप एक एक डिटेल को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आप एलिजिबिलिटी उसको सूट करते हैं तो बिना किसी डिटेल को, एक एक डिटेल को अच्छे से पढ़े अप्लाई नहीं कीजिए। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो एक एक डिटेल को अच्छे से ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे चर्चा करूँगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे इसी एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में आपको एप्लीकेशन दिया गया है। दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ साथ आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे जैसे आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगाना है अगर आप विकलांगता को प्रमाणित करते, तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का, पढ़ाई का, जो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उसका सर्टिफिकेट, सब कुछ लगाना है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ। और DD भी उसमें अटैच करना है। याद रखिए DD का कोई भी फ़ोटो को भी मान्य नहीं माना जाएगा, ओरिजिनल DD आपको भेजना है। ये रहा आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रारूप है वो यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको एक एक डिटेल को भरें और फिर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा होने का एक ही कारण है कि मैंने यहाँ पे एक एक डिटेल्स को आपके सामने चर्चा किया है कि कितना एप्लीकेशन फ़ी होगा, लास्ट डेट क्या है, DD बनवाना है कितने का, किसके नाम बनवाना है, किस एड्रेस पे भेजना है, कैसे भेजना है, और कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है। मैंने हर कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस किया, इसलिए ये वीडियो लंबा हो गया है। तो ये जो वैकेंसी आई है वो छत्तीसगढ़ प्रशासन के तरफ से आई है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के लिए आई है। और यहाँ पे NHM का एक प्रोग्राम चलता है, उसके अंडर आपको रिक्रूट किया जाएगा एज ए सोशल वर्कर। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है MSW के फ्रेशर्स के लिए, और BSW वाले के लिए 2 साल एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी मांगा गया है। तो MSW फ्रेशर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी 22,000, और आपको एक अच्छे से NHM प्रोग्राम के अंदर काम करना है, तो ये बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आप NHM के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके जुड़ा हुआ सोशल वर्क से है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाना चाहूँगी। थैंक यू गाइज़।